ओम नारायण जी की जय जयकार करने लगा। बोलिए सतगुरु बापू ओम नारायण जी महाराज की जय। आपके सदाए जो भी ओम का नाम ले वह निर्भय हो जाए। ओम नाम की शक्ति से भय निकट नहीं, वह भय निकट देखकर नहीं आए। निर्भय वाह हो जीवन जियो यही ओम का ज्ञान। लाल भय का त्याग कर ओम के गुण पहचान। ओम के गुण पहचान। ओम बापू नारायण दत्त जी महाराज आपकी श्रद्धा राजा जय। बापू शारदा राम जी महाराज आपकी आपके सदा ही जय। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच देवी जी। और ये बहुत सुंदर बात उन्होंने कही भी, ओम नाम से निर्भयता आती, इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप ओम नाम जपते हैं तो आपको निर्भयता जीवन में, सारा भय से वो पुराना उसका क्या होगा, वो चीज का कैसी, ये कि मेरा काम कैसे होगा, भय के साथ जी रहे हैं हम लोग सारे, सारी दुनिया। लेकिन जैसे जैसे प्रभु का नाम लेते हैं ना तो निर्भयता, निडरता आती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि असली जो ओरिजिनल जो स्वभाव है ना आत्मा को, निर्भयता, निर्भय शांत है। प्रभु भी निर्भय है, प्रभु के जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वो खुद इतना निर्भय है, निर्भव निर्वैर पढ़ते हैं ना, तो उस निर्भव के नजदीक जैसे जैसे होते जाएंगे हमारे में निर्भयता आती जाएगी, उसके गुण आएंगे, प्रभु के गुण। जो सतगुरु यही तो समझाते हैं कि धीरे धीरे वो प्रभु वाले गुण आएंगे, जो सत्संग में हम बैठेंगे प्रेम करेंगे। तो चलो बहुत सुंदर आपने ये सुनाया, धन्यवाद आपका। रोज सुनाते हैं और इतनी अच्छी तर्ज के साथ भजन दोहे, बहुत आनंद हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी थैंक सारण यू। सत करतार बापू जी जय जयकार। हाँ जी।